छापर थाने के गांव में 6 साल की मासूम से दरिंदगी के आरोपी को उम्र कैद की सजा। पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला। चुरू जिले के छापर थाना अंतर्गत एक गांव में 6 साल की मासूम से दरिंदगी के आरोपी को चुरू की पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साल 2021 में आरोपी ने बालिका को कुरकुरे देने का झांसा देकर अगवा किया और अपने घर के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी बाबूलाल उर्फ बब्बलिया ने बालिका से मारपीट कर उसके गाल तथा शरीर पर दांतों से काट दिया था। परिजनों को बालिका लहूलुहान हालत में मिली थी। पॉक्सो कोर्ट ने 15 गवाहों के बयान तथा साक्ष्य के आधार पर अपना यह फैसला सुनाया। इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने विशेष टिप्पणी भी की, जिसके मुताबिक बच्ची की आयु को देखते हुए उसके साथ किए गए घिनौने अपराध और उसके शरीर पर आई गंभीर चोटों के चलते अभियुक्त किसी प्रकार की नरमी का रुख पाने का अधिकारी नहीं है। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक वरुण सैनी ने बताया कि 17 फरवरी 2021 को 6 वर्षीय मासूम बच्ची के पिता ने छापर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि 17 फरवरी 2021 समय 3:30 बजे के आसपास उसकी 6 साल की बेटी रोती हुई उनके घर के पास मिली, जिसके चेहरे व होंठ के पास दांतों के काटने का निशान था और खून आया हुआ था। जब उन्होंने बालिका से पूछा तो उसने बताया कि बाबूलाल उर्फ बबलिया उसे उठाकर ले गया और गलत काम किया था। आरोपी बाबूलाल उर्फ बबलिया ने बालिका को कुरकुरे देने का झांसा दिया और अपनी गोद में उठाकर उसे अगवा कर लिया था। इसके बाद परिजनों ने आरोपी की तलाश शुरू की तो वह उन्हें एक घर के पास मिल गया। उससे पूछा तो बाबूलाल उर्फ बबलिया ने कहा कि गलती हो गई, माफ कर दो। परिजनों ने आरोपी को रोके रखा और पुलिस के आने पर पुलिस के हवाले कर दिया। छापर पुलिस ने आईपीसी तथा पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। अनुसंधान के दौरान आरोपी का डीएनए भी पॉजिटिव आया था। आरोपी ने अपने बयान में बताया कि वह घर से निकला था और 6 साल की बालिका को कुरकुरा दिलाने का झांसा देकर गोद में उठा लिया और अपने घर ले गया। वह शराब के नशे में था, इसलिए उसके मुंह पर दांतों से काट लिया। छापर थाने का एक मामला था जिसके अंदर एक 6 साल की बच्ची थी, जिसके साथ अभियुक्त ये बाबूलाल उर्फ बबलिया ने दुष्कर्म किया था और उसके चोटें भी पहुंचाई थी उसके मुंह पे और जो उसके प्राइवेट पार्ट्स में चोटें थी। इसके मद्देनज़र हमने इसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया था, जिसका आज न्यायालय द्वारा फैसला कर अभियुक्त को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है। कब का है सर मामला? ये मामला वर्ष 2021 का है, छापर थाने का प्रकरण।